सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना 135वां स्थापना दिवस भारत बचाओ संविधान बचाओ के साथ मनाया। जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने शहीद स्मारक से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक एक फ्लैग मार्च निकालकर आज अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया। शहीद स्मारक से हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने बड़े नेताओं के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत बचाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ अपना फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, उप मुख्यमंत्री व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सहित राजस्थान सरकार के कई मंत्री, विधायक व प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। फ्लैग मार्च के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचने पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डालकर आज के वर्तमान हालात में देश को अराजकता में झोंकने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की। आइए सुनते हैं कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले 20 साल से 21 साल की कांग्रेस तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष कर रही है। आपको हम सबको गर्व है, 10 साल तक शासन आ गया मनमोहन सिंह जी का, अधिकार आधारित युग की शुरुआत कर, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आ गए। ये मामूली फैसले नहीं थे, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल पूरे मुल्क में कानून बना के हैं। ये रोजगार 100 दिन का, चाहे अकाल पड़ो या नहीं पड़ो, गारंटी दी गई संविधान के अंतर्गत। ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की सोच थी। शिक्षा का अधिकार दिया गया सबको, सूचना का अधिकार देके पूरे विश्व में मैसेज दिया किस प्रकार ट्रांसफर जाती सरकार। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो विरासत आपकी बहुत मजबूत है, गर्व करने वाली है, पूरे मुल्क को गर्व करना चाहिए, हम नागरिक को गर्व करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी के लोग हमारी विरासत को लेकर के क्या कमेंट करते आपको मालूम है? पंडित नेहरू की विरासत को लेकर क्या कमेंट करते आपको मालूम है? अरे पंडित नेहरू की विरासत तो त्याग की, बलिदान की, जेलों में जाने की है देश के लिए, आजादी के लिए, शहादत देने की इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी को शहादत है, वो विरासत है। पर आपके पार्टी की सोच वाले लोग आजादी जंग के अंदर मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, कल्पना करो, मुखबरी करते थे। वो लोग आज कांग्रेस विरासत की बात करते हैं, इतनी शर्म की बात। आज साथियों, प्रदेश में हमारी सरकार है और 1 साल सरकार का पूरा हुआ है। आप सबके सहयोग से हमने जो वादे किए थे जन घोषणा पत्र में, उनको पूरा करने की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। आज दायित्व बनता हम लोगों का और खासकर कांग्रेसजनों का कि राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की जो उम्मीदें हमसे हैं, उस पर हम खरा उतरे। समय बहुत जल्दी निकलता है, इसलिए जिस प्रकार की आप लोगों ने शानदार जीत कराई थी नगर निकाय के चुनावों में, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव भी अब घोषित कर दिए गए हैं निर्वाचन आयोग ने, आचार संहिता लगी है प्रदेश के अंदर। मैं सभी कांग्रेसजनों से स्थापना दिवस के इस मुबारक मौके पर आप लोगों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आने वाला जो चुनाव होगा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उसमें बढ़ चढ़ कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएं, ताकि और मजबूत हमारी सरकार और संगठन होता रहे राजस्थान के अंदर। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।